मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से अलीपुरद्वार जिले के राजनीति में एक अलग माहौल बना दिया है। इसका एक गहरा प्रभाव कालचनी ब्लॉक पर देखा गया। तृणमूल कांग्रेस के कालचनी ब्लॉक अध्यक्ष को पुलिस ने लकड़ी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस घटने से राजनीति क्षेत्र में जबरदस्त हलचल मची हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रविवार को इस संबंध में कालचनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पाशंग लामा को बीरपड़ा इलाके से गिरफ्तार किया गया। अलीपुरद्वार एसपी वाई रघुवंशी ने कहा कि उन्हें जिला सीमा से गिरफ्तार किया गया। उन पर लकड़ी की तस्करी का आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही पाशंग लामा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता को सोमवार अलीपुरद्वार न्यायालय में पेश किया जाएगा। पिछले गुरुवार से वन विभाग और पुलिस संयुक्त अभियान चला रही है। छापेमारी तृणमूल कालचनी ब्लॉक के अध्यक्ष पाशंग लामा और उनके रिश्तेदारों के घर पर की गई। वहां से चोरी की लकड़ी और चोरी की लकड़ी से बने फर्नीचर को जब्त किया गया। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के कालचनी ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तारी से अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। इस घटने से विपक्ष को भी कई मौके मिल गई है। ज्ञात होगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक प्रशासनिक बैठक से अलीपुरद्वार एसपी को नाम लिए बिना कालचनी में हेरिटेज लूट की जांच मामले में निर्देश जारी किया। फिर उस रात के बाद से पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से पाशंग लामा के कालचनी चाय बागान बुकेनबाड़ी और ट्रोली लाइन में घरों में छापेमारी की। पाशंग लामा के रिश्तेदारों के घरों में छापेमारी की जा रही है। वहीं काफ़ी मात्रों में फर्नीचर और चोरी की लकड़ी बरामद हुई है। उधर पाशंग लामा शुक्रवार से लापता थे। उसी दिन अलीपुरद्वार एसडीपीओ देवशीष चक्रवर्ती के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बीरपड़ा क्षेत्र से छोटे वाहनों की पहचान की। वहां से तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष पाशंग लामा को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर विपक्ष नेता व फालाकाटा विधायक दीपक बर्मन ने कहा, ठीक ही हुआ, समाज विरोधी काट माफिया को जेल में ही होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी जिले में ऐसे कार्य हो रही है, उसका क्या। वहीं इस मामले पर अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस सभापति प्रकाश चिकबड़ाइक ने कहा, मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन अपनी कार्यवाही कर रही है। আপনাদের মুখে শুনলাম যে পাশাং লামা অ্যারেস্ট হয়েছে, তো এর জন্য আমি বলবো ঠিকই হয়েছে। এরকম একজন সমাজ বিরোধী কাট মাফিয়া জেলের ভিতরে থাকাই ভালো। কিন্তু ঘটনা হলো, সে কয়দিন থাকবে, বিচার কি আদৌ হবে? এক দ্বিতীয়ত, এরকম আরও শতাধিক পাশাং লামা আলিপুরদুয়ার জেলায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের বেলা কি হবে সে প্রশ্নটাও আমি প্রশাসনের কাছে রাখছি। আমরা চাই তৃণমূল আশ্রিত যে সমস্ত মাফিয়াদের বারবারন্ত চলছে তাদের সকলকে অ্যারেস্ট করা হোক, এবং তাদের সকলের বাড়িতে খোঁজ করলে এরকম ট্রাকে ট্রাকে মাল বেরোবে। এটা আমাদের আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ এবং তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতারা এটা জানেন। আমরা চাই তাদেরকেও গ্রেপ্তার করা হোক, এবং এই হেরিটেজ যে আমাদের বন আছে সেটাকে রক্ষা করা হোক। কাজ করবে, আমরা ওই ম্যাটারে কোনো কিছু সেটা বলছি না। উনি যেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, তার উপরে তো কোনো বক্তব্য আমাদের হওয়া উচিত না, সেটা বলছি না। আমি বলছি আপনার ব্লকের সভাপতি, আপনি জেলা সভাপতি, আপনার ব্লক সভাপতি উনি। রেগুলার দুদিন হয়ে গেল পরপর ওনার বাড়িতে তল্লাশি, দল কোনো স্টেপ নিচ্ছে না ওনার বিরুদ্ধে, বা কিছু কী ভাবছে, দলের স্ট্যান্ডটা কী আছে? না না, দলের স্ট্যান্ড এখানে কিছু না। আমি আমি কোনো কমেন্ট করবো না। প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করবে, এবং প্রশাসনের কাজে দল কোনো মতন পদক্ষেপ এখন নেবে না।